मुश्किल ये है कि क्रिमिनल्स के पास हथियार है और ऐसा लगता है कि वो पुलिस के साथ दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस किसी तरह इन स्टूडेंट्स को उनके चंगुल से छुड़वा ले। इस नाजुक समय में उन बंदियों के लिए हर पल बहुत जरूरी हो गया है। ये वक्त है ऊपर वाले से प्रार्थना करने का और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अरिंदराज आ रहे हैं, चलो उनसे सवाल करते हैं। ब्लैक टाइगर 03 टीम को स्टैंड बाय पॉइंट पर ले आओ और मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। ब्लैक टाइगर 02 मेरे साथ चलो और क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए फैल जाओ। मूव, चलो। ओके सर। ब्लैक टाइगर 02 टावर पर पहुंच गए। एक भेड़िया दिख गया है, वो लीडर है या नहीं कंफर्म नहीं है। ब्लैक टाइगर 1, भेड़ियों के झुंड में लीडर मिल गया है। हमारे भेड़ को एक्सप्लोजिव से बांध कर रखा है, रिमोट कंट्रोल्ड। ईओडी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करो, हमें और एक टीम की जरूरत पड़ेगी। सर। उफ, 2 घंटे हो गए, उनको जरा भी परवाह नहीं है। सुनो, पुलिस को फोन करो। ओके। हेलो, तुमने हमारे बॉस को छोड़ा या नहीं? शांत रहो, सुनो मेरी बात। हमें तुम्हारी बात मंजूर है, हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आने के बाद तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारी बात को समझो। तुम्हें क्या लगता है, हम इन बच्चों को मार नहीं सकते? तुम जानते नहीं हो, तुम्हें इनकी लाश मिलेगी। बच्चों को कुछ मत करना, वरना तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तुम लोग बस मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक काम करो, इसको बाहर ले जाओ, शूट कर दो। क्या देख रहा है, जल्दी कर, जल्दी कर, इसे। सोच क्या रहा है, जल्दी कर, शूट कर। अरिंदराज, वो एक बंदी बच्चे को मारने वाले हैं। ब्लैक टाइगर 2, भेड़िया दिख गया है, आपके ऑर्डर्स के लिए रुका हूँ। अभी नहीं, बहुत रिस्की है, अभी रुक जाओ, शूट कर प्लीज, जल्दी। प्लीज मत मारो, प्लीज। ब्लैक टाइगर 2, रिपीट, शूट करने का ऑर्डर दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो, प्लीज। शूट कर, शूट कर, अप्रूव कीजिए। जल्दी आओ, चलो यहाँ से। नहीं, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, जल्दी लेकर चलो इसे, संभल कर, चलो, चल, नीचे नीचे नीचे, छोड़ दो मुझे, बाहर की तरफ, प्लीज जाने दो, चल, जाने दो मुझे, मार दूँगा, प्लीज जाने दो, हट, हट जाओ, मुझे जाने दो, प्लीज, चल, चुपचाप अंदर बैठ जा, मेरे कार अंदर बैठ जा, छोड़ो, इसे कार के अंदर डालो, चलो, कार में बैठो, जल्दी बैठो। तीसरा भेड़िया मारा गया, लेकिन लीडर एक भेड़िये को लेकर भाग गया है। डोंट शूट, वो क्रॉस फायर में होगा। लेकिन वो रेंज के अंदर है। नहीं, शा,
इसे पकड़ो। इसकी पल्स नहीं चल रही, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। अरिंतराज ने जो गलती की है उसके ऊपर आप क्या राय देना चाहेंगे? हमारे बॉस के ऑफिशियल डिक्लेरेशन की राह देखनी होगी कल। और जिस विक्टिम ने अपनी जान गवाई उसका कल होगा, बड़े साहब डिक्लेरेशन देंगे। चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ होगा सर। उस पर वक्त जाया मत करो, कैप्टन पायु को एलरो की तरफ जाने के लिए बोलो, जल्दी से जल्दी। लेकिन सर, पायु हमारा सबसे अच्छा सिपाही है। ओ कम ऑन, उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो गलत है वो गलत है। जनता को यकीन दिलाना बहुत जरूरी है, पुलिस सही है और उनकी तरफ है, यही उन्हें समझना चाहिए। देखो तुम टैलेंटेड हो, तुम और कितने लोगों को ट्रेन कर सकते हो। डू वॉट आई से। यस सर, रोजर दैट। एक्सक्यूज मी सर, hey, तुम थके हुए लग रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? उस न्यूज के बारे में मत सोचो, मैं जानता हूं जितना हो सकता है तुमने किया पायु। लेकिन वो लड़के की जान बचाने के लिए काफी नहीं था। इससे पहले कि तुम अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ, मैं एक सवाल पूछता हूं। तुमने उसे एंड मोमेंट पर शूट क्यों किया? वो क्रिमिनल सीधे स्कूल की तरफ ड्राइव कर रहा था, और सर उस समय उसके पास हैवी एक्सप्लोजिव थे। इसका मतलब तुमने सही फैसला लिया। अगर तुम शूट नहीं करते तो 100 और स्टूडेंट्स मौत के घाट उतर जाते। मैं जानता हूं ऐसे समय में फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, क्या होने वाला है इसके बारे में सोचकर तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें पता था यह जरूरी है। सवाल मेरी जिंदगी का होता तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता सर। वो बच्चा नहीं मरना चाहिए था सर। मेरे लिए वो एक हीरो है, उसने जान दी
100 और लोगों को बचाने के लिए। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तुम वापस आ सकते हो। मैं रिजाइन कर रहा हूं सर। मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके डिपार्टमेंट की शान मिट्टी में मिला दी। क्या वो तुम्हारा भाई है जिसने अरिंद्राज को मारा था? ए, तुम्हें लड़ाई करनी है क्या? ए, ये तो बिना बात के भौंक रहा है। जरा इनको चुप तो करवाओ। तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो लेकिन यहां पर सिर्फ मैं ही बॉस हूं, समझ गए? ये चलो रुको रुको कहा ना रुको रुक जाओ रुक जाओ कहा ना नहीं 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 दूर दूर हटो दूर हटो दूर हटो नहीं करेगा तो किस तरह लड़ रहे हो? दो दिन के लिए खाना बंद, जेल में बंद करो इन्हें, जाओ। अंदर चलो। और मुश्किलें खड़ी मत करना, तुम मरते दम तक यही रहने वाले हो। पावर का इस्तेमाल करके बेल नहीं मिलेगी। मैंने कहा रुको रुको Thank you.
तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मुझे अपनी गलती की जिम्मेदारी उठानी होगी। सबको पता है कि ये फोर्स मेजर था। अगर मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव की होती तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं टीम का सबसे अच्छा शूटर हूं ना। तुमने अरिंतराज की शान मिट्टी में मिलाई है। तुम शायद सही हो सकते हो पविन, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे पिता पुलिस डिपार्टमेंट के हीरो थे। तुमने भी तो कसम खाई थी ना कि तुम जनता को बचाओगे, लेकिन अब तुम उन्हें ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हो बताओ। मैंने सिर्फ उस बेचारे बच्चे को ही नहीं मारा है, बल्कि उसकी बहन को भी जीते जी मार दिया है। और जनता के मन में पुलिस डिपार्टमेंट की शान और विश्वास को तोड़ा है मैंने। अब मैं अरिंदराज यूनिफॉर्म के काबिल नहीं रहा। मुझे पता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। वो हमारा दोस्त है। मैं पागल नहीं हूं। मुझे पता है तुम क्या सोचती हो। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो हमें फिर से एक होना चाहिए। मैं इसकी वजह जानता हूं। वो लीडर बना इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ा ना। सुनो, मुझे बॉस का सिग्नल मिल गया है। वो यहां से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर है। ड्रिल की तैयारी करो। ऑलराइट, चलो। हे, इट्स माय टर्न। पास करो मुझे। ये लो। ये ले। आप बॉल पास करेंगी क्या? आप ठीक हैं? बॉल दीजिए प्लीज। क्या आप ठीक हैं?
हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ये लो। हे क्या मैं आपको शॉप तक जाने में मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानता। तो आपको कैसे पता कि यहाँ मेरी शॉप है? मैं आपकी कॉफी ले आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। इस तरफ। ये रही कॉफी। क्या मैं कोई और मदद कर सकता हूँ? आपने पहले ही बहुत मदद की है मेरी। कोई बात नहीं, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखा जाए तो शॉप ओनर के तौर पे मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे मेरे कस्टमर्स याद भी नहीं होते। कोई बात नहीं, आपको बहुत सी बातों के बारे में सोचना पड़ता होगा ना। मेरा मतलब बहुत कुछ होता है, क्या क्या याद रखें, है ना? कस्टमर्स आए हैं, कुछ मदद करूं? मैं संभाल लूंगी। आपको क्या चाहिए? मुझे एक वैनिला लैटे चाहिए, लेस स्वीट रखना। ओके ओके, अभी लाती हूँ मैं। अपने टेबल पर इंतजार कीजिए प्लीज। किसी ने आपके लिए भेजा? हेलो, तुम्हें सामान मिल गया ना? तुम उस बॉक्स में रखे बम का पासवर्ड तुम्हें चाहिए होगा, तो तुम्हें मुझसे इज्जत से बात करनी होगी। इस डील को एक्सपेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है। मुझसे क्या चाहते हो तुम? इंतराज की पूरी लिस्ट, जनरल से लेकर सर्जन तक, और ऑपरेशन स्ट्रेटजी भी। तुम मुझे अपना देश बेचने के लिए कह रहे हो और अपने साथियों को धोखा देने के लिए? मैंने तुम जैसे पुलिस को इसके पहले उड़ा दिया है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता होगा? मुझे जो चाहिए वो चुपचाप मुझे दे दो, तुम्हें 50 लाख मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। तुम्हें एक बेवकूफ आदमी की तरह वहां बैठे सब लोगों की जान गंवानी है। उसे क्या हुआ? मुझे लगता है ये डील बहुत सस्ती है। अब तुम बहुत शाने बन रहे हो। कितने चाहिए?
चाहिए? कीमत बहुत महंगी है, तुम चुका नहीं पाओगे। बोलो कितने चाहिए? जितना चाहिए मैं दे दूंगा। मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। असल में तुम बार्गेन नहीं कर सकते। मैं टेररिस्ट के साथ कभी बार्गेन नहीं करता। खोलो से। ये सब क्या है सर? I'm sorry. मुझे तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा। पर किस लिए? ताकि मैं देख सकूं कि तुम अभी भी देश के लिए जान दे सकते हो या नहीं। मेरे इतने साल की ड्यूटी के बाद भी आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है कि मेरा टेस्ट लेना पड़ रहा है? असल में मेरी उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा था, और तुमने हमें रेजिग्नेशन के वक्त ये भी दिखा दिया था, लेकिन तुम्हारा मर जाना अच्छा है, तभी बाकी की जान बचेगी, तभी मैं मानूंगा कि तुम स्पेशल फोर्स के बंदे हो। मैं कहीं भी रहने के काबिल नहीं हूं सर। मुझे किसी भी टीम पर बोझ मत होने दीजिए। कोई टीम नहीं, हर एक मिशन तुम्हें ही मिलेगा, अकेले ही पूरा करना होगा, अकेले मरोगे, तुम इनविजिबल होगे, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, और किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम ये अपने देश के लिए कर रहे हो। पर मुझे करना क्या होगा सर? बुरे लोगों को मारना, जिनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर मैंने ना कहा तो? पाविन और किंग क्राई और केस के लिए। एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो। एक्चुअली सर, हाल ही में पुलिस हॉस्पिटल ने कैप्टन वायु का कार एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट किया था। वो अब कैसा है? वो काफी जल गया था और वो अब नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? रीचेक ट्राई करो, फॉरेंसिक टीम के साथ ट्राई करो। मुझे तसल्ली करनी है कि वो पक्का वही था या नहीं। अगर हाँ तो ये मर्डर था या एक्सीडेंट? मैं अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ और मैंने डॉक्टर मे के साथ रीचेक भी किया है सर। उसकी बॉडी पर कुछ अजीब चीजें नजर आई, उन्होंने कहा ये ज्यादा सोने की वजह से है।
अपना मन बदलना है? मेरे डैड हमेशा कहते थे कि अगर हमें डिपार्टमेंट में किसी पर भरोसा करना हो तो वो सिर्फ आप हैं, और मैं मानता हूं, मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है सर, जनता के लिए, देश के लिए। तुम्हारा फिर से शुक्रिया तुम्हारे विश्वास के लिए और ब्लैक डोप ज्वाइन करने के लिए। कैप्टन एऑफ को गर्व महसूस होगा यह देखकर कि तुम्हारे खून में अभी भी देशभक्ति दौड़ रही है। शायद इस दुनिया से अदृश्य होकर जीना ही मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है। सिर्फ तुम ही नहीं पायू, लेकिन पूरा ब्लैक डोप स्क्वाड गवर्नमेंट के लिए इनविजिबल है। पहला मिशन है थाई मिडल ईस्टर्न आदमी और उसके तीन साथी। उन्होंने 4 महीने पहले देवालाई मंदिर में बहुत उधम मचाया था। बॉम्बर जो शायद लीडर है, उसका नाम है फार्डी असलान, वो और उसकी गैंग अरेस्ट की गई है।
मिस्टर तियन चाई ने 20 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया है, आधे से ज्यादा नाबालिग लड़कियां थी। उसका तरीका था कि किसी को हायर करो और उन्हें ड्रग दो। उसने अपने पैसों के दम पर हर केस को खरीद लिया और फिर एक शिकार ने आत्महत्या की। शरीर पर कोई जख्म नहीं है, कहीं कोई गला घोटने का निशान भी नहीं है, तो उसका दम कैसे घुटा? उसके गले के पीछे ये बहुत ही गहरा जख्म था कैप्टन। जिसने ये किया उसे पता है कि मसल्स हिलाने के लिए कौन से पार्ट जरूरी होते हैं। अगर ब्रेन का ये पार्ट क्रश होता है तो पूरी बॉडी पूरी तरह बंद पड़ सकती है, और सांसें भी, ये सेंट्रल नर्व्स है। इस तरह माथा और नाक के बीच में मारने से, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ चोट लगने की वजह से जान जा सकती है, और ये बहुत ही डेंजरस है कैप्टन। और कोई जख्म? हाँ है, ब्रेन के पीछे बहुत सारे जख्म हैं, और वो है दीवार की वजह से। और ऐसा हो सकता है कि क्रिमिनल ने शायद इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए यूज किया होगा। Head to wall plus. उसे पता है कि हथियार के बिना कैसे लड़ा जाता है। चार और बॉडीज थी कैप्टन, उन्हें भी इसी तरह मारा गया था। सबको डेड स्पॉट पर ही हमला करके मारा गया था।
और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल भी उसी गैंग का होगा। मैं हेल्प करूं? आज आप लेट हो गई ना, मैं आपका वेट कर रहा था। आज शॉप बंद है इसलिए। तो इसका मतलब आज मुझे कॉफी नहीं मिलेगी क्यों? वैसे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? पिछली बार मैं जरा जल्दी में था और मैं अपनी कॉफी के लिए पे भी नहीं कर पाया। क्या? उस बात को बीते 3 हफ्ते हो गए हैं और तुम्हें आज याद आ रहा है? मैं दुगना पे करता हूँ, अगर आप आज मेरे लिए एक कॉफी बना दें तो। तुम्हें ये कैसे पता चला कि शॉप की की कौन सी है? पिछली बार मैंने आपके दोस्त को इसे खोलने में मदद की थी, इसलिए आज भी खोल पाया। ये सच कह रहा है कोई? उस दिन तुमने टॉनम के डॉक्यूमेंट को लेकर डिस्ट्रिक्ट में मदद की थी, है ना? और तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, कह सकती हूँ। एक ही चाहिए ना? हम शॉप में कई बार मिले हैं लेकिन हमने कभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं कॉय हूँ और ये है प्राइफोन। एस्प्रेसो? कितना अजीब नाम है। मेरा मतलब है, हर बार मैं एस्प्रेसो ऑर्डर करता हूँ तो आप लाटे बना देती हैं। तो फिर आप टी बनाइए, दोनों एक जैसे ही होते हैं। आप कॉफी प्रेफर करते हो ना, मैं एक और बनाती हूँ। ढूंढो। कुछ नहीं मिला सर। उठो उठो। की कोई मदद करूं? तुम चुराया हुआ फोन कहां छिपाते हो? कुछ मिला? अगर नहीं मिला है तो मतलब फोन नहीं है।
एमी ने कॉल किया था, उसने बताया कि आपको मुझसे मिलना था। जैसा कि तुम्हें पता है, टीएनचाई का केस सीएसडी ड्यूटी के अंडर है। क्या किसी ने रिपोर्ट किया? बाकी डिपार्टमेंट्स का इंटरवेंशन विदाउट परमिशन एक डिसिप्लिनरी ऑफेंस है। यहां तुम नए नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए था। लेकिन मैंने कोई भी ऑर्डर डिसोबे नहीं किया है सुपरिटेंडेंट। और तुम बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन में गए थे, उसका क्या? हाँ सर। नॉट, मैं चाहता हूं कि पाविन आकर अभी मेरी मदद करें। मिस्टर टेंचाई और फां के केसेस शायद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे साहब को इस बात का बहुत डर है क्योंकि क्रिमिनल सचमुच बहुत ज्यादा हद तक गिरे हुए थे। मुझे इस केस का इंचार्ज असाइन किया गया था। पाविन एक टैलेंटेड इंसान है, वो आसानी से क्रिमिनल्स को ढूंढ सकता है। मैंने पेपर भेज दिया है, आता ही होगा। ठीक है, मैं पाविन के साथ किसी को भेजता हूं। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि डेप्यूटी टॉन ने तुम्हें इंचार्ज असाइन किया है? मैं आज आपको रिपोर्ट कर रहा हूं सर, लेकिन आपने मुझे पहले रोका था। मैं साथ में सपोर्ट टीम भेजता हूं, क्या कोई खास है? बस एमी काफी होगी सर। नो प्रॉब्लम सर। क्रिमिनल ने ये रैक्स इस्तेमाल किए थे फ्यूल के तौर पर। ये बिल्डिंग जलाना काफी नहीं है। विटनेस ने कहा फैडी और गैंग अभी 2 हफ्तों के लिए यहाँ आए थे। शायद वो अब्रॉड भागने की कोशिश में होंगे। तुम कहना चाहती हो कि क्रिमिनल्स जलाना नहीं चाहते थे, राइट? हाँ, ऐसा ही कुछ, क्योंकि आग लगने के 3 मिनट बाद बाजू वालों को पता चला और वो बुझाने के लिए आ गए थे। वाईडी बहुत समझदार इंसान होगा, लगता है इसीलिए क्रिमिनल ने प्लान बनाया होगा ताकि वो दरवाजा खोले और फिर उसे मार सके। क्या ये कोई हथियार है? लगता तो नहीं है। अगर कोई होगा तो उनके शरीर पर इसके जख्म होंगे। क्या तुमने उन्हें चेक किए ठीक से? सभी को हाथ से ही मारा गया है। एमी, किस तरह का आदमी है बिना हथियार के हाथ से जान ले सकता है, और वो भी 3 मिनट के अंदर? शायद कोई वेल ट्रेन्ड आदमी, वो ही ऐसा कर सकता है। जैसे कोई सोल्जर या पुलिस जिसकी बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग हुई हो। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? देख रही हूँ कहीं कोई लीक तो नहीं, ये ठीक से चल नहीं रहा है। हे, कुछ मदद चाहिए? तुम घर क्यों नहीं चले जाते? तुमने तो कहा था ना तुम्हें बस एक कॉफी चाहिए। फोन? तुम कस्टमर से ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझे इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन क्यों? मुझे लगता है तुम हमारे कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हो, इससे मुझे अनसेफ लगता है। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको ऐसा फील हुआ। आ,
समय कर। अरे आप ठीक हो? क्या तुम ठीक हो फोन? मुझे शॉक लगा। हाँ पता है, लेकिन आप बात कर सकती हैं, मतलब आप ठीक हैं। उसने मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था लेकिन तुमने मना कर दिया। देखा अब क्या हुआ, तुम ऑलमोस्ट बिजली बन गई हो। क्या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है? नहीं नहीं जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। हमें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। चाबी दो मुझे। अगर आपको सिरदर्द हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास चले जाइएगा। ये मेरा नंबर। मैं आज रात यहीं पर रहूंगी, अगर कोई जरूरत पड़ी तो कॉल करूंगी। हमें उसे कॉल करने की क्या जरूरत? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो तुम्हें पसंद करता है? अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो इतने हैंडसम लड़के को कभी नहीं छोड़ती। फोन करूं मैं? मेरी बात खत्म नहीं हुई, फोन मेरी बात तो सुनो। हेलो, अब और नहीं, रुको ना। इत्था लेक, हेडमैन पुड का मर्डर करने से पहले उसे जेल में डाला गया था और किसी ने दवाई देकर उसे मार डाला था और ये केस मौत का ही नतीजा था। 4 असॉल्ट केसेस, 12 ब्लैकमेल के केसेस, पब्लिक में ऑफेंसिव हथियार रखने का जुर्म और 5 केसेस। पहले केस के लिए उसे जेल में डाला गया और बाकी केसेस हटा दिए गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब वो बाहर आया उसे वो पार्टी का वर्कर बन गया था। मैंने ईद को इंटेंसिवली इन्वेस्टिगेट किया है लेकिन उसने किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ तो क्या तुम्हें किसी और पर शक है? मिस्टर आ, नाखून पाथोम का बड़ा आदमी, ठीक है, नॉट ईड रिहा हो चुका है। तुम उसका वेट कर रही हो, वो आता ही होगा। मैं इंतजार नहीं कर रही। कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूं। तो फिर एक एस्प्रेसो दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। लाइए मैं खोल देता हूं। लाइए मुझे करने दीजिए। लीजिए। जब मैं कॉफी पी लूंगी उसके बाद वो तुम्हें सर्व कर देगी। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम बहुत फनी हो। मैं 8 साल से तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। कोई तुम्हें लगता है मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए? अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें कोई तो चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब वो तुम्हारी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र दिखती है। क्या तुम्हें सच में पता नहीं चला?
तो फिर तुम उसे सर्व करो, मैं नहीं करूंगी। ठीक है। सुनो, देखिए उसकी फिक्र, और तुम्हें लगता है कि उसे मेरा ख्याल है। पता नहीं अभी उसे क्या हुआ, लेकिन देखना वो वापस आएगा। पहला है ईट थाइलिंग, जिसने हेडमैन पुट को मारा। तुमने पहले देखा होगा। ये केस कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ था सर, इतने लोगों के बीच में शूट करना। हाँ, और इस बात के भी काफी एविडेंस है कि उसे रिहा कर दिया गया। इसका मतलब उसका बैकअप काफी पावरफुल है। दूसरा वाला आदमी उसे सपोर्ट करता है, उसका नाम है आ, नाखून पाथोम का बड़ा आदमी है। तुम्हें उसे मारना है ताकि उन पॉलिटिशियंस के हाथ बंद जाए जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, नहीं तो बाकी के अच्छे नेता सब मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन एक हादसा बन जाए। मैं तुम्हें बाकी डेटा थोड़ी देर में भेजता हूं। ठीक है। हम सिर्फ बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। वो अंदर आने से पहले वो कहीं पर दिख नहीं रहा है। इसका मतलब उसने सच में बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। उसने सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट चुना। उसने मर्डर भी सिर्फ हाथों से किया था। मुझे लगता है क्लू मिलना बहुत मुश्किल है। शायद उसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर पता था। मुझे लगता है इसके मूव्स काफी जाने पहचाने हैं। कैसे? उस क्रिमिनल ने क्राइम करने से पहले अपनी घड़ी दो बार देखी। उसने बस टाइम ही नहीं देखा, लेकिन उसने ये भी देखा कि उसे मारने के लिए कितना टाइम लगेगा। वो बहुत ही होशियार है। ये कमांडोस का प्रोसीजर है, अटैक से पहले का। नहीं, एक मिनट। दरअसल उसने टाइम के लिए घड़ी नहीं देखी, लेकिन यह क्रिमिनल की आदत थी। उसने यह अनजाने में किया। Thank you.
सर यहाँ आइए। क्या हुआ? कैदी अंदर नहीं है सर। हा? तो अंदर जाओ जल्दी। ऐसा कैसे हो सकता है? हा? बीटा, कैदी नंबर 116 नहीं है। गेट्स बंद करो। इस तरफ आइए। सामने की तरफ कवर करो और इस होल को बंद कर देना। कोई जरूरत नहीं है, हमें उनके लिए C4 तैयार करना चाहिए। ओए, C4 तैयार करो। बॉस को अंदर बैठाओ। इस तरफ सर। चलो जल्दी करो, सब अंदर बैठो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वो बाद में देखते हैं। तुम अभी कहां हो? क्या तुम ठीक हो? अपनी लोकेशन शेयर करो, मैं वहां पहुंचता हूं। डैड, मैं इसे खुद कॉफी सर्व करूंगी। मैं जाकर पूछताछ करती हूँ। उस घटना के बाद यहाँ कोई अजीब सी हरकत देखने को मिली है क्या? कोई नहीं आया। ठीक है, थैंक यू। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कातिल को ढूंढ सकता हूं। अंकल, आपके बेटी की कार की चाबी मिल सकती है? हाँ सर, अभी लेकर आता हूं। कुछ दिन पहले मैंने उन्हें कॉल किया था। उन्होंने कहा कि उसकी बेटी कार ड्राइव करके बाहर जाने वाली है, तो मुझे लगता है कि डैश कैम में कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा। देखो, रिकॉर्ड हुआ है। तुम्हें पोस्ट जाना पहचाना नहीं लगता? गन पकड़ने की स्टाइल और उसकी शूटिंग स्टाइल बिल्कुल पायु जैसी है। अगर वो अब भी जिंदा है तो पक्का ये वही है। ये देखो, ईड ने उस बच्चे को यहां लाने के बाद क्रिमिनल पीछे चला गया। मैं सोच रहा हूं कि क्रिमिनल का उससे क्या लेना देना होगा। उसने ईड को क्यों नहीं शूट किया? ये किसी शूटर का रवैया नहीं है कि वो अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करें। Thank you.
उसने उस बच्चे को ढाल बनाया। और मैं सबको दुख से गुजरना पड़ता है। मैंने भी एक बार, मैं और तुम्हारे डैड दो मोटरसाइकिल चोरों को चेस कर रहे थे। हमने उन्हें कॉर्नर तक चेस किया। उन्होंने शूट करने की ठानी। उन्होंने कहा और आखिर उन्हें मार दिया गया। जब मैंने उनकी बॉडीज चेक की और उनके हुड्स निकाले, तब मुझे पता चला कि उनमें से एक औरत थी। वो दोनों पति पत्नी थे। उससे बदतर, वो 4 महीने से प्रेग्नेंट थी और एक 2 साल का बच्चा घर पर इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे जैसा था। मैंने अपना पैशन खो दिया। मुझे एक बच्चे को अनाथ और दूसरे को मारने की गलती की वजह से बहुत गिल्टी महसूस हुई, क्योंकि वो पैदा नहीं हुई थी। मुझे हमेशा लगा कि मेरी पुलिस की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन तुम्हारे डैड ने जो कहा, उससे मैं फिर से उठकर लड़ने के लिए प्रेरित हुआ। मेरे डैड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, बुरे लोग जब कन्फेस करते हैं तब उन्हें सजा नहीं मिलती, तो एक आदमी जो लॉ और इन्फोर्समेंट की वजह से गलती करता है, वो खुद को माफ क्यों नहीं कर सकता? भाइयों, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जितना कि हम हमारा बिगाड़ सकते हैं। मुझे समझाने के लिए शुक्रिया। मेरा नहीं, अपने डैड का करो। मैं ईटा लेक से निपट लूंगा सर। उससे बाद में निपटो।
आह मर चुका है। उसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो किसी को भी मार नहीं सकता। लेकिन मेरे पास एक और काम है जो तुम कर सकते हो। और वो क्या है? कमरो निरित जेल से भाग गया है, और मुझे लगता है सबसे पहले वो हमसे बदला लेगा। तुम्हें उसे ढूंढना है और मारना है। रॉजर, संभल कर रहना। पाविन और एमी को सुपरिटेंडेंट टॉम ने असाइन किया है तुम्हें चेस करने के लिए। तुम उनके साथ काम करते थे, तुम्हें पता होगा वो कितने शातिर हैं। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। जैसे ही मुझे क्रिमिनल का डीएनए मिलता है, जितना जल्दी हो सके मैं दे दूंगा। का इंतजार कर रही हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें कैसे पता मैं किसके बारे में बोल रही हूं? बहुत दिनों से नहीं दिखा, कितनी अजीब बात है ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहां है? क्या तुम जानना चाहती हो वो कहां है? कहां है? देखो, अगर तुम चाहो तो उसे कॉल कर सकती हो, समझी? नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक कस्टमर नहीं खोना चाहती। आई होप ये सच हो। अब मैं निकलती हूँ, मुझे मॉम को हॉस्पिटल ले जाना है। तुम अकेली रह लोगी ना? पक्का अकेली रह लोगी ना? हाँ, रह लूंगी मैं। ओके। हेलो। हाँ, उसे ले आओ। वो आ गया है, मैंने उसे लाने को बोला है। खड़ा क्यों है? बैठ जा। बैठ। तुम मुझे जानते हो, है ना? तुम्हें यह भी पता है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया है, है ना? जब मैं जेल के अंदर था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। तो चलो फिर तुम मुझे बताओ कि मेरे भाई को किसने गोली मारी थी, ताकि तुम मेरी मार से बच सको।
अपना मुंह खोल, जल्दी से बोल। आगे क्या करें बॉस? ये तो नहीं बता पाया, जाकर उसके बॉस से पूछो। चलो चलो। मुझे लगता है कि यहाँ रुकना शायद बेवकूफी होगी। गलती करने के बाद क्रिमिनल्स वापस नहीं आने वाले। और तो और ये हमारे सेफ हाउस के पास भी है। हाँ, अगर वो कोई आम गुंडा होता तो। लेकिन वो वही है जिसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। वो वापस आएगा। ओह नो, ये बाहर क्यों आ गया? पीछे हटो, किसी ने गोली चलाई है। कवर करो, कवर करो। चलो एमी, लिफ्ट नहीं लेगा। ठीक है, मैं यहाँ नीचे रुकती हूँ। जाओ। हिलना मत, नहीं तो शूट करूंगा। चला गया। क्या? Thank you.
इमरजेंसी क्या है? मेरे पास कातिल के खिलाफ सबूत है। ये वही क्रिमिनल है जिसने टियांची का मर्डर किया था। ये वही है जिसने फैडी का मर्डर किया था और ऑरिड लेक का भी। क्या आपको ताज्जुब नहीं हो रहा है कि एक ही आदमी ने इतने सारे खून किए हैं? मैं चेक कर रहा हूं कि हमारे पास कोई प्रूफ है या नहीं। मैं कोई प्रूफ के बिना रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं कंफर्म नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं वो क्या है? कैप्टन, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मुझे लगता है वो क्रिमिनल पायू है सर। एक मरा हुआ आदमी क्रिमिनल कैसे हो सकता है? ये देखिए सर, मैंने क्रिमिनल का ब्लड कलेक्ट किया और फिर उसे डॉक्टर मे को टेस्ट करने दिया था। रिजल्ट पायू के डीएनए से मैच होता है सर। शायद ये केस किसी सीक्रेट स्क्वाड से जुड़ा है जिसका नाम ब्लैक डोप है। डिप्टी कमिश्नर जनरल ने मुझे बताया कि ऑफिसर्स के एक ग्रुप ने यह स्क्वाड बनाया था ताकि वो उसे एक इलीगल कोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सके, जो जस्टिस को तबाह कर रहे हैं। मुझे लगा कि आपको यह सब पता होगा। दरअसल मुझे तुम्हारी गपशप को बीच में नहीं रोकना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था और मैं खुश भी था, पर तुमने मेरे भाई को मार दिया। ए, घुटने के बल बैठ, जल्दी बैठ। तो अब तुम मुझे बताओ कि मेरे भाई की जान तुम में से किसने ली? कोई जवाब नहीं। कैंग, सुनो, इसे कुछ दिखाओ। देख, ये तो बस एक नमूना था। अगर अभी भी तुम उनके नाम नहीं बताओगे तो अगला कोई भी हो सकता है, तुम्हारे माँ बाप या बीवी बच्चे। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता हूँ, समझ रहे हो तुम? ये तो अभी भी चुप है। Hey, क्या बोल पायू? ये छोटा ज्यादा समझदार है। तो अब मुझे बताओ कि कैप्टन प्यू कहां पर है? चलो बताओ। ये जानने से कोई फायदा नहीं है, वो मर चुका है 2 हफ्ते पहले। वाह, क्या इत्तेफाक है, देखो तो जरा। कम ऑन, मैं तो यहां तुम्हारे लिए भी आया था। चलो बताओ वो कहां पर है, हा? मुझे पता है, मुझे पता है वो कहां है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, है?
कहाँ हो? मैं प्राइफॉर्म बोल रही हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी शॉप के पास हूँ। मैं यहीं पर हूँ। तुम जख्म अच्छी तरह से भरती हो। मैंने नर्सिंग सीखी थी। तो अब तुम कॉफी शॉप क्यों चलाती हो? कॉफी शॉप खोलने से पहले मैं एक नर्स थी, पर मेरी सैलरी मेरे खर्च के लिए पूरे नहीं होते थे। असल में मैं सिर्फ खुद का ही खर्च नहीं चला पाती थी। पर मेरे साथ तोनम का भी ख्याल रखना था। परिवार में सिर्फ हम दोनों ही थे। जब तोनम 2 साल का था, हमारे माता पिता चल बसे। अब तुम्हारे भाई के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं सिर्फ उसके लिए ये शॉप चला रही हूँ और सब कुछ उसके लिए कर रही हूँ। उसका सपना था कि वो एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बने। उसे इंग्लैंड में पढ़ाई करनी थी ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या तुम ये शॉप बंद कर दोगी? मैं किसी और देश में हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुमने अब तक मुझे बताया नहीं तुम्हें ये गोली कैसे लगी? क्या हुआ तुम्हें, बताओ मुझे। मैं एक लड़ाई को रोक रहा था। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे बताने से पहले तुम ठंडे पड़ गए थे, पर कोई बात नहीं। वैसे भी ये मेरे काम का नहीं है, तो क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, रुक जाओ।
क्या तुम्हें पुलिस से नफरत है? उन्होंने तुम्हारे भाई को मौत के मुंह में धकेला, पर अब इसका क्या फायदा? तुम वैसे भी वापस नहीं आने वाला। बुलेट पर लगी चिप से पता चलता है कि वो उस शॉप में है। उसे यहां ले आओ। अगर वो नहीं आया तो? क्या तुम इस सब को मजाक समझ रही हो? जो कहा है वो करो। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। वैसे भी आपको मैं कभी पसंद नहीं था। चाहे मैं कितना भी अच्छा काम करूं, मैं पायु के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तुम गलत हो। मैंने कभी तुम्हारे स्किल्स पर डाउट नहीं किया। बहुत गिल्टी। लेकिन तुम में और उसमें जो फर्क है वो यही है कि तुम किसी पर विश्वास नहीं करते। तुम जीत के बारे में सोचते हो, अपने गोल के बारे में सोचते हो। कोई नहीं सोचता कि गोल को कैसे पूरा किया जाए। सबको सिर्फ रिजल्ट चाहिए होता है। मैंने जो कुछ भी किया वो हमारे अरिंद तराज को बेहतर करने के लिए किया था। तुम्हें कॉप से ज्यादा एक हीरो बनना है, इसीलिए तुमने ये सब किया और अपने ही कॉमरेड्स को धोखा दिया। मैंने पायु का नाम सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने के लिए किया था सर, और अरिंद तराज की जिंदगियां बचाने के लिए। या आपको जीने की कोई चाह नहीं है, या सिर्फ आपको पायु को बचाना है? अब तुम लोगों के पास फुर्सत की सांस लेने का समय है। सबसे पहले मैं पीयू को खत्म करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। चलो किंग। क्या हुआ? यही पर रुकना। मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ चलो। यहां पकड़ो। रोनित ने सुपरिटेंडेंट और पाविन को पकड़ा है। वो तुम्हें चाहता है क्योंकि तुमने उसके भाई को मारा है। इसे नहीं पता कि इसके भाई के मौत के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है।
मैं कार से राइफल लेकर आता हूं। जाओ। तुम्हें पता था ना कि मैं जिंदा हूँ। ब्लैक डोप सिर्फ तुम नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे सारे कदम जानती थी। जेपी जी ने मुझे तुमसे और पाविन से चौकन्ना किया था क्योंकि तुम केस के इंचार्ज थे। पाविन हम में से एक नहीं है। पाविन हमारे स्क्वाड का नहीं है। कौन? यहाँ आओ। मैं उसके साथ बस उसे गुमराह करने के लिए थी। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र है इसकी। मुझे लगता है तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र है। मैंने उसके भाई के साथ जो किया है उसका कर्ज चुकाना है। मुझे नहीं लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो। गैंग, उसे जल्दी से यहाँ ले आओ। चल बाहर चल। चल जाओ, तुम भी जाओ। ए, अगर तुमने गोली चलाई तो मैं इसको मार दूंगा। एमी, सुपरिटेंडेंट यहाँ है। और पाविन भी। एमी, इस रेंज में मैं उनके आदमियों को आसानी से मार सकता हूँ। तो फिर मैं इस तरफ संभालती हूँ। इसकी तो अरे अरे भागो 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 भागो। चलो चलो यहाँ से।
चलती रहो। फ्रीज। जाने दो उसे। क्या मैं पागल नजर आता हूं? हाँ, मैं इसे छोड़ दूंगा और तुम मुझे मार दोगे। गन नीचे करो। मैंने कहा गन नीचे करो, वरना मैं इसे मार दूंगा। फ्रीज। गन नीचे। लो और एक आ गया। तुम किस लिए आए हो? तुम दोनों अपनी गन्स नीचे फेंक दो और मुझे आराम से यहां से जाने दो, तभी ये लड़की जिंदा रहेगी। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, अपना मास्क निकालो, नहीं तो मैं शूट करूंगा। तो वो तुम ही हो पायू। तुमने मिस्टर टीएनचाई को और बाकी लोगों को क्यों मारा? अच्छा, तो तुम ब्लैक डोप के लिए काम करते हो? ये इन सब बातों का टाइम नहीं है पविन। सुनो, गवर्नमेंट तुम्हारे स्क्वाड को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। रुको एमी। पाविन की बात मत सुनो, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम भी ब्लैक डोप का हिस्सा हो। रुक जाओ एमी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। उसे जाने दो यहां से। पविन, तुम जल्दी करो। पायू, ध्यान से सुनो, ये घटिया स्क्वाड का एक बिजनेस है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूं कि मुझ पर विश्वास करो। पविन, पविन,
पवन, 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 मेरी तरफ देखो। मुझ पर विश्वास रखो। आपने क्यों मारा उसे? हम तो पुलिस है ना, हम हमारा खून बांटते हैं। पाविन एक पॉलिटिशियन के लिए काम करता है। कोई आदमी जो अपने साथियों को धोखा देता है वो कभी खून बांटने के लायक नहीं होता। तुम्हारे लिए ये औरत ड्यूटी से ज्यादा है। फोन कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है और तुम्हें किसी इनोसेंट को मारने का कोई हक नहीं है। एक बार मैं उसके भाई की मौत में इन्वॉल्व हो चुका हूं, जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ा है। अब मैं किसी को उसे और तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि किसी इनोसेंट का साथ देना गलत है तो मैं ब्लैक डोप हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम पहले मुझे शूट करोगी। क्या तुम्हारा फैसला एकदम पक्का है? मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं कि वो हमारा सीक्रेट कभी लीक नहीं करेगी। उन्हें जाने दो। एमी, दिस इज एन ऑर्डर। गाड़ी रोको, मैंने कहा रोको। कौन? 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 मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरी ही वजह से तुम्हारे भाई की जान गई थी।
मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। मैं भी इस बात को भुला नहीं पाया हूं। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं, मेरी आंखों के सामने टॉनम आ जाता है, और इसीलिए मैंने पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ करो। मैं बस अपनी गलती का कर्ज चुकाना चाहता हूं। तुमने सिर्फ तोनम के बारे में ही नहीं छुपाया, बल्कि तुमने मुझसे हर बात छुपाई है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जॉब और शायद वो सारी अच्छी चीजें जो कि तुमने मेरे लिए की, वो सब कुछ एक दिखावा था। मैं मानता हूं कि मैंने अपने नाम के बारे में झूठ कहा, क्योंकि मैं डर गया था कि सच जानकर तुम मेरी अच्छाई को भी नहीं अपनाओगी। और हां, मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैं बस एक चीज के बारे में सोचता हूं कि मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, तुम्हारा कर्ज चुकाते चुकाते। तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालनी है, वो भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए? मैं माफी चाहती हूँ जनरल। मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिली कि काम पनट ने उन लोगों को जाने दिया जो हमारे सीक्रेट के बारे में जानते थे, और हाँ, मैंने और कमिटी ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को आज एक मीटिंग में मान लिया है। अगर सुपरिटेंडेंट ने पायु और उस औरत की रक्षा की तो क्या होगा? आज से तुम्हें काम पनट के ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रैंक 8 पर प्रमोट करता हूँ, और जो कोई भी बैकडोप के रूल तोड़ेगा उसे तुम अकेली ही मार सकोगी, ऐसे ऑर्डर्स पास हुए हैं। थैंक यू सर।